हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने, आरएसएस और भाजपा को हिंदुओं को दलाल बताने वाले बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हिंदू देवियों का अपमान कर रहे हैं, उनकी मंशा हिंदू धर्म को योजनाबद्ध तरीके से अपमानित करने की है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, फिरोज खान का पोता, ईसाई माँ का बेटा राहुल गांधी, क्या जानो हिंदू और हिंदुस्तान, ये देश गीता गंगा गौ माता का है। राहुल गांधी द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने, आरएसएस और भाजपा को हिंदुओं को दलाल बताने वाले बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने को लेकर भोपाल के अरेरा हिल्स थाना पहुंचकर आवेदन दिया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सामाजिक सौहार्द भंग कर वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने का आरोप लगाया है। शर्मा ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से जहां भी जाते हैं हिंदू देवियों को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा कि भाजपा वाले दुर्गा और लक्ष्मी को मारते हैं। राहुल गांधी भाजपा नेताओं और संघ पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये लोग जहां जाते हैं हिंदू धर्म का प्रयोग दलाली और राजनीति करने के लिए करते हैं। तुम हिंदू देवी देवताओं की मजाक क्यों उड़ाते हो? तुम कौन होते हो इनकी शक्ति का परीक्षण करके दुनिया को बताने वाले? तुम हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। फिर वो बोलते हैं कि आरएसएस बीजेपी ये दलाली कर रही है हिंदुओं की, लक्ष्मी दुर्गा को सड़क पर पीट पीट कर मारते हैं। अरे राहुल गांधी, हत्यारे तो तुम और तुम्हारे पुरखे हैं हिंदुस्तान के, लाखों हिंदुओं के हत्यारे हो तुम, सिखों को, निर्दोषों को जलाने वाले हो तुम, और कश्मीर के विभाजन कराने वाले तुम हो, पाकिस्तान का निर्माण करने वाले तुम हो, लाखों हिंदुओं को मंदिर तोड़वाने वाले तुम हो, गुरुद्वारा तोड़वाने वाले तुम हो, और जब तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री थे, तुम्हारे परदादा देश के प्रधानमंत्री थे, तुम्हारी दादी देश की प्रधानमंत्री थी, तब कश्मीर में आग लगती थी, तब कश्मीर में शिवालय तोड़े गए, तब कश्मीर में हिंदू बेटियों की जांग पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, सैनिक को लहूलुहान किया गया, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला, तब तुम कुछ नहीं बोले। अब तुम बोल रहे हो कि आरएसएस ये कर रही है। तुम हिंदुओं का अपमान करना बंद करो। हमने यहाँ निवेदन किया है कि हिंदुओं का अपमान करना बंद हो और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो न्यायालय की कुंडी भी हम खटखटाएंगे। विधायक शर्मा ने आवेदन में लिखा है कि 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने कहा कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की शक्तियाँ कम हो रही हैं। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कौन होते हैं देवी देवताओं की शक्तियों का आकलन करने वाले, उनको यह अधिकार किसने दिया। राहुल गांधी के इस बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। विधायक शर्मा ने आवेदन में कहा कि देश के कानून और संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(ख), 295 और 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए। शर्मा ने कहा, आरएसएस बीजेपी नहीं होती तो देश बेच चुकी होती कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना और कट्टरपंथी मुसलमानों से दलाली कर सत्ता की लालसा में हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन कराया। इस विभाजन में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। कांग्रेस ने कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम कराया। सिख दंगे कराने वाली कांग्रेस एकता और भाईचारे का पाठ किस मुँह से पढ़ा रही है? शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम कट्टरपंथियों की दलाल है। शर्मा ने कहा कि वो तो ईश्वर की कृपा रही कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई, नहीं तो कांग्रेस अब तक देश बेच चुकी होती। लेकिन एक आग्रह राहुल गांधी से कर देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, भगवान का हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि वो 1925 में सही समय पर आरएसएस का जन्म हो गया, आरएसएस की स्थापना हो गई, तो तुम भगे भगे मारे मारे फिर रहे हो। अगर आरएसएस पैदा नहीं होती तो तुम और तुम्हारी कांग्रेस कटमुल्लों के साथ मिलकर हिंदुओं को भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम करते, और इसलिए आज हम आपका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो इसके पीछे संघ का विचार है, हिंदुत्व की जय जयकार है, धर्म का जागरण है, राष्ट्रीय पवित्रता का संविधान है और अंबेडकर का न्याय है, इसको लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पकड़े जाएंगे, अपराध कायम होगा, हिंदुओं का अपमान करना बंद होगा। अगर राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करना बंद नहीं किया, थाना एफआईआर करे कि नहीं करे, पर हिंदू तुम पर एफआईआर जरूर करेगा।
अच्छा मस्ती और मुझसे? कौन कहता है पनीर सीधा सादा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।